आपके साथ में हुए शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या जिले के थाना रुदौली इलाके में युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। यह हत्या अवैध संबंधों के चलते चाची ने ही अपने भतीजे की करवा दी थी। एसपी ग्रामीण के मुताबिक रिश्ते में चाची लगने वाली एक महिला ने पहले अपने भतीजे से नाजायज रिश्ते कायम किए। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसी बीच आशिक मिजाज चाची की निगाहें एक दूसरे युवक से चार हो गई। अयोध्या जिले के थाना रुदौली इलाके में युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। यह हत्या अवैध संबंधों के चलते चाची ने ही अपने भतीजे की करवा दी थी। एसीपी ग्रामीण के मुताबिक रिश्ते में चाची लगने वाली एक महिला ने पहले अपने भतीजे से नाजायज रिश्ते कायम किए। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसी बीच आशिक मिजाज चाची की निगाहें एक दूसरे युवक से चार हो गई, जिसके बाद हवस की आग में चाची ने अपने पुराने प्रेमी अपने भतीजे से पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन चाची के प्यार में पागल भतीजे ने साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अंजाम ये हुआ कि चाची ने अपने भतीजे सुनील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अपने नए प्रेमी और अपनी बहन के साथ मिलकर अपने ही भतीजे का कत्ल कर दिया। वहीं रुदौली पुलिस ने हत्या में आरोपित चारों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल फावड़ा और खुरपी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। 14 जुलाई को हुई इस खौफनाक वारदात को लेकर मृतक के पिता ने केस दर्ज करवाया था। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक सुनील कुमार की हत्या उसकी चाची गीता यादव से नाजायज संबंध होने के कारण उसकी चाची गीता यादव व चाची की बड़ी बहन संगीता यादव अपने प्रेमी प्रदीप कुमार यादव व प्रेमी के भाई मित्रसेन यादव द्वारा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से गन्ने के खेत में ले जाकर फावड़ा व खुरपी से मारकर हत्या कर दी। दिनांक 14/7/21 को थाना रुदौली अंतर्गत ग्राम बनगवा में एक गांव के बाहर ही गन्ने के खेत में सुनील कुमार पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम खड़तरी थाना छिरैया जनपद पूर्वी चंपारण बिहार की डेड बॉडी पाई गई थी और उस पर चोटों के निशान थे। इस घटनाक्रम में थाना रुदौली पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इस घटना में जब पुलिस ने इस घटना का जब इसमें छानबीन और जांच शुरू की इसकी विवेचना तब शुरू की तो इसमें जो तथ्य प्रकाश में आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे और थाना प्रभारी रुदौली और क्षेत्राधिकारी रुदौली और स्वाट सर्विलांस की टीम के संयुक्त प्रयास से इस घटना का सफल अनावरण हो गया है, जिसमें ये पाया गया कि यह जो मृतक था इसकी जो चाची गीता यादव ये लखनऊ में रेलवे में काम करती है और मृतक का अवैध संबंध इससे हो गया था और ये भतीजा लगता था, मृतक गीता का भतीजा लगता था और ये मनगावा में अपने इसी प्रेमी भतीजे के साथ ही आई थी और इधर कुछ दिनों से इसके प्रेम संबंध में मनमुटाव हो गए थे क्योंकि ये लगातार सुनील अपनी प्रेमिका चाची को लगातार ही परेशान करने लगा था। इसे छुटकारा पाने के लिए गीता ने अपनी बहन संगीता से संपर्क किया और इसको ठिकाने लगाने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया और इसकी बहन ने फिर मैनेज किया और अपने प्रेमी प्रदीप यादव और उसके सहयोगी मित्रसेन यादव के साथ मिल करके और घटना के दिन इसको गन्ना के खेत की तरफ छल करके भेजा गया कि वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर तुम जाओ कुछ नाश्ता लेकर के। और जब सुनील कुमार वहाँ पहुँचा तो पहले से ही गीता और संगीता के प्लान के मुताबिक जो हत्या करने वाले लोग थे प्रदीप और मित्रसेन ने मिल करके उसकी हत्या कर दी और इसके बाद फिर जब ये उसकी डेड बॉडी मिली तो ये घटना प्रकाश में आई। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने इस घटना में शामिल चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर काला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, एक अदद फावड़ा एक अदद कुर्पी भी रिकवर कर ली गई है और इस घटना का सफल अनावरण हो गया है। इसमें गिरफ्तारी पूरी हो गई है और आला कत्ल भी रिकवर हो गया है और पुलिस ने इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और स्वाट सर्विलांस प्रभारी उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस घटना का सही सफल अनावरण हो गया है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इस कार्य के लिए टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।